समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को छात्रों की फीस की माफी और अगली कक्षा में निःशुल्क दाखिला को लेकर पोस्टकार्ड के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम नगीना शाहनी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरा देश प्रभावित है, जिसमें गरीब आदमी अपने बच्चों का फीस कहाँ चुका पाएगा, जिसका काम बंद है। कोरोना महामारी के दौरान अनलॉक हुए देश में लोगों को अब आर्थिक रूप से सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों के भविष्य को देखते हुए छात्रों की फीस माफी और छात्रों को अगली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की मांग को लेकर पोस्टकार्ड के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष गवीस दुबे व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, हम लोग पोस्ट कार्ड का अभियान चला रहे हैं, जिससे गवीस दुबे नाम है जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। ये पोस्ट कार्ड समाजवादी पार्टी छात्र सभा पूरे प्रदेश में महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा जा रहा है छात्र सभा के द्वारा। इसमें जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम परिवार के लोग हैं, जो वैश्विक महामारी कोरोना में आर्थिक संकट झेल रहे हैं, उनके बच्चों की शुल्क माफ़ी के लिए, साथ ही साथ जो शुल्क प्रतिपूर्ति है उन बच्चों के सीधे खाते में आ जाए और उनको जिस क्लास में उस क्लास से अगले क्लास में उनको अग्रसारित किया जाए, इसी मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा यह अभियान चला रही है और पूरे प्रदेश में चला रही है। इसको हम लोग गांव-गांव पहुंचाने का काम करेंगे और माननीय महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग इस पर आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। आज जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, जिसमें पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश प्रभावित है, तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। चूँकि पूर्व में भी समाजवादी पार्टी ने पत्रक के माध्यम से अधिकारियों से मांग किया था कि आज जब सभी लोगों का काम बंद है, ऐसे में गरीब आदमी अपने बच्चों की फीस चुकाने में सक्षम नहीं है, तो आज सिस्टमेटिक छात्र सभा के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है कि पोस्टकार्ड के माध्यम से हम लोग एक पत्रक, एक मांग महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भेज रहे हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश में छात्र हैं, जो एक क्लास पास किए हैं, उनको बिना शुल्क के अगले क्लास में उनका एडमिशन लिया जाए और रूटीन से उनकी पढ़ाई की जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज सड़कों पर यहाँ उतरे हैं और अगर हमारी मांग को नहीं मानी जाती है तो समाजवादी पार्टी छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए और जनहित के लिए सड़कों पर उतरने का काम करेगी।